बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कंज्यूमर सरप्लस पर, और इस कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन करने के बाद, समझाने के बाद, इसकी काफ़ी हद तक हम एक्सप्लेनेशन भी लिख चुके थे और समझ चुके थे। ऐसा ही है, तो हम जानते हैं कंज्यूमर किस पॉइंट तक गुड्स कंज्यूम करेगा, उस पॉइंट तक जिस पॉइंट तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर ना हो जाए प्राइस जो वो पे कर रहा है। तो प्राइस के डिफ अब प्राइस के चेंज होने से क्या करेगा, कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम फेस करेगा, और उस इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए वो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को एडजस्ट करेगा एज पर मार्जिनल यूटिलिटी। यस और नो, क्या ये बात समझ में आती है मेरी, जो मैं आपको भी पॉइंट बता रहा हूँ कि जब प्राइस चेंज होगी तो कंज्यूमर विलिंगनेस के लिहाज से भी डिसइक्विलिब्रियम फेस करेगा। कंज्यूमर विलिंगनेस के लिहाज से भी डिसइक्विलिब्रियम फेस करेगा, सोचिए जरा इस बात को। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम यहां से, और जो पॉइंट हमने कल तक पढ़ लिए थे कि भाई कंज्यूमर उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पर होगा जहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी, उससे ज्यादा वो परचेज नहीं करेगा। लेकिन हमने कहा सिचुएशन बन सकती है, कैसे, नंबर फिफ्थ पॉइंट बनाते हैं। नाउ कंसीडर a situation ek situation consider kijiye that the price of good now consider a situation that the price of good is reduced from rupees 40 to rupees 20. Now consider a situation that the price of good is reduced from rupees 40 to rupees 20. ठीक है, सिचुएशन कंसीडर कीजिए कि गुड एक्स की जो प्राइस है वो 40 से कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई। The consumer will also reduce marginal utility. Consumer will also reduce marginal utility to rupees 20. And he will be buying more good, more quantity of good x or vice versa. ठीक है,
ऐसा क्यों हो रहा है ये बताना है. When the price rises or falls, the consumer suffers disequilibrium. The consumer suffers disequilibrium. जब प्राइस राइज या फॉल करती है तो कंज्यूमर क्या फेस करता है, क्या सफर करता है? डिसइक्विलिब्रियम सफर करता है. ठीक है बेटा, आवाज ठीक है? आप सही बताइए. एंड ही हैज टू रीगेन इक्विलिब्रियम बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी डिमांड. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी डिमांड, यानी जब भी प्राइस चेंज होती है तो फिर क्योंकि उसकी मार्जिनलिटी उस हिसाब से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. मतलब प्राइस बढ़ने पर जो वो गुड खरीद रहा होता है पहले, उसकी मार्जिनलिटी कम होती है और प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है. तो अब उसका जो पहले जो कंज्यूमर सरप्लस जीरो था वो डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाता है. तो फिर वो क्वांटिटी डिमांड कम करके उस जगह पे आ जाता है जहां पर उसका सरप्लस अब नया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. समझे ना इस बात को बेटा? तो वो अपने इक्विलिब्रियम को एडजस्ट करता है. ठीक है, तो ये सारी बातें आपके सामने यहां पर मौजूद हैं बेटा. तो ये सारी बातों को पढ़कर हमें क्या हासिल हुआ बेटा, क्या कंक्लूजन हुआ? अब एक सवाल है, उसका जवाब बनता है यहाँ पर. वो सवाल का जवाब क्या है? वो जवाब अब मुकम्मल होगा. यानी इट मींस अगर एग्जाम में सवाल आता है तो उस सवाल का जवाब अब आप मुकम्मल देने के क्या हुए हैं, काबिल हुए हैं. क्या आप काबिल हुए हैं? उस सवाल क्या है, आप जवाब देंगे मुझे उस सवाल का? करूं मैं आपसे सवाल? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए ताकि पता लगे मुझे आप लोग सुन रहे हैं बात को. हाँ जी, तो सवाल क्या है? वो सवाल ये है, वाई क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस. क्वांटिटी डिमांड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है? चलें इससे पिछला सवाल, वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड. मुझे पता है इसके जवाब आप क्या देंगे, इसलिए मैंने जवाब को सवाल बना लिया. असल सवाल है व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड. डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है? Why demand curve is negatively sloped?
जवाब दें। भाई डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि जवाब इसका ये होगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप आपस में क्या है, इनवर्स है। सिंपल सी बात, जो दो वेरिएबल हैं जब उनका रिलेशनशिप ही इनवर्स होगा तो कर्व जो बनेगा वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप बनेगा ना बेटा। ये तो बड़ी आसान सी बात है। अब अगर एग्जामिनर सवाल पूछता है वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, जवाब यहां से शुरू होगा ना, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। लेकिन यहां पर जवाब मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि जवाब मुकम्मल वहां होगा जहां पर आप ये बताएंगे क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है। तो आपने एक स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखिए एक होता है सवाल स्टेट वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, एग्जाम में सवाल आता है स्टेट, एग्जामिनर जो वर्ब इस्तेमाल करेगा वो आपके लिए हुक्म है, हुक्म उस हुक्म को फॉलो करना है आपने। अगर एग्जामिनर बोलता है स्टेट वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप तो जवाब क्या होगा, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस, जवाब खत्म हो गया, इससे आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछता है एक्सप्लेन वाई क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, तो उसमें खाली स्टेटमेंट देना काफी नहीं होगा बेटा कि डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली टू प्राइस, ये तो स्टेटमेंट हो गई। इस स्टेटमेंट को समझाना भी पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, इसकी लॉजिक देनी पड़ेगी, जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। तो अब ये भी बताना पड़ेगा जनाब कि क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, ये समझाना पड़ेगा आपको। जवाब दे बेटा, तो क्यों है बताइए, कोई जवाब बना सकता है आप में से, कोई है मर्द मुजाहिद या औरत मुजाहिदा जो जवाब बना सके इसका। जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पे बात की थी ना बेटा, तब आपने परचेजिंग पावर पे बात कर ली थी, लेकिन परचेजिंग पावर एक लॉजिक थी, एक रीजन था। लेकिन इसका मतलब ये रीजंस और भी हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, इसकी तीन वजूहात है, तीन रीजंस हैं इसके पीछे। जब वो तीन रीजंस आप जवाब देंगे तब आपकी बात बनेगी। नंबर वन इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट, पहला रीजन है इनकम इफेक्ट। नंबर टू इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड नंबर थ्री इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इनकम इफेक्ट कैसे, इनकम इफेक्ट ऐसे, सुनिएगा एक एक बात गौर से, इनकम इफेक्ट ऐसे कि जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो आपकी उसकी खरीदने की सलाहियत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, आपकी रियल इनकम में इजाफा हो जाता है। रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर, यानी आपकी जेब में नोट उतने के उतने ही है, लेकिन आप उन्हीं नोटों में रहते हुए उसको पहले से ज्यादा खरीदने के काबिल हो जाते हैं, यस और नो। तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होना लॉजिकल है, क्यों, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, यस और नो जवाब देना बेटा। ये रीजन तुम कवर कर चुके, एक और रीजन भी है, जब एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है तो अपने सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में और सस्ती हो गई, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है तो वो अपने सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में और सस्ती हो गई, तो लोग अब सब्स्टिट्यूट से स्विच करके यहां पहुंचेंगे, इस गुड की तरफ आएंगे, मतलब
समझना, पेट्रोल की प्राइस कम हुई, सस्ता चल रहा है ना पेट्रोल आजकल, पेट्रोल की प्राइस कम हुई, पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो गया, इसलिए कि अब मैं पहले से ज्यादा पेट्रोल खरीदने के काबिल हो गया, एबिलिटी बढ़ गई। नंबर टू, पेट्रोल अब सीएनजी के मुकाबले में सस्ता हो गया, तो मैं अब सीएनजी को यूज कम कर रहा हूं और सीएनजी वाले पैसे भी कहां लगा रहा हूं, पेट्रोल में, तो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड में और इजाफा हो गया, क्योंकि मैं एक सब्स्टिट्यूट से दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ स्विच कर रहा हूं, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरी वजह, पेट्रोल की प्राइस कम होने से अब प्राइस जो है वो आगे वाली मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो गई, जहां पर मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या था, जीरो था, तो मैंने क्वांटिटी डिमांड में और इजाफा कर दिया, मेरी विलिंगनेस और बढ़ गई। यस और नो बताइए भाई, जवाब दीजिए। ये तीन बातें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे कोई पूछे सवाल तफसील से कि लॉ ऑफ डिमांड, क्या कहते हैं, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है, तो आपने पहली स्टेटमेंट देनी है डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। अगला सवाल क्या होगा, वाई क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस, हम अपने आप से पूछ के जवाब दे सकते हैं। तो उसका जवाब देने के लिए तीन बातें आएंगी, नंबर वन इनकम इफेक्ट, नंबर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड नंबर थ्री डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या ये बात समझ में आती है सबको बेटा? जब ये तीन बातें लिखी जाएंगी एग्जामिनेशन में तो जवाब पूरा होगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है आप लोगों ने, सही है बेटा? यहां तक बात क्लियर सबको? अच्छा जी, अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, उस नए कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पॉइंट थ्री तो यार बहुत डिटेल में कल समझाया ना हम्माद बेटा, कल का जो टॉपिक, ये जो कंज्यूमर सरप्लस है, पॉइंट थ्री को तो एक्सप्लेन कर रहा है हम्माद कि प्राइस कम होने से हमने चौथे के साथ अब पांचवा यूनिट क्यों परचेस किया, इसलिए कि जब प्राइस कम हुई तो प्राइस कम होने से प्राइस और मेजॉरिटी दोबारा से क्या हो गया, बराबर हो गए, तो हम पांचवा यूनिट पहले क्यों नहीं परचेस करते, इसलिए कि पांचवा यूनिट की मेजॉरिटी जो थी वो कम थी और उसमें खर्च होने वाले पैसे क्या थे, ज्यादा थे। नेगेटिव स्लोप के तीन पॉइंट्स, नंबर वन जो है वो क्या है, इनकम इफेक्ट है, परचेजिंग पावर जिसको हम बोलेंगे, नंबर टू क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, एंड नंबर थ्री जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। याद रहेंगे बेटा? हाँ बेटा, हम बात सही है बेटा, बात समझ में आती है नहीं आती, बोलो। तो ये जो तुमने थर्ड पॉइंट डिटेल में पूछा था, थर्ड पॉइंट इन डिटेल जो है वो तो मैंने कल पूरा टॉपिक समझाया ना बेटा, ये कंज्यूमर सर्विस का टॉपिक है इसी बात के लिए, क्या कहते हैं आप लोग? यहां तक बात सबको क्लियर होती है? चलें, कल हम्माद ने ही मुझसे सवाल किया था कार्डिनल और ऑर्डिनल का, यस और नो? हाँ बेटा, हम बात क्या कहते हो, आपने मुझसे एक सवाल किया था कार्डिनल और ऑर्डिनल का, ठीक है? तो आपका स्टडी टेक्स्ट तो इसको जरा मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता है। मैं यार, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है सबको बेटा? ये बार बार स्टूडेंट बोल रहे हैं वॉइस इशू हो रहा है, वॉइस इशू हो रहा है। तो अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो बेटा आपकी साइड पे भी इशू हो सकता है ना, आप इस बात को समझे ना प्लीज।
वो 3 पॉइंट लिख दे रिकॉर्डिंग में, तुम बार बार सुन लेना यार, क्या टेंशन है हुज़ैफ़ा, इस बार में तुम्हें याद भी हो जाएंगे। क्या कहते हो? मैं दोबारा बोल देता हूँ, बोलूंगा मैं दोबारा, याद तुम्हें रखने हैं बेटा, इस बार में तुम्हें याद करवाना चाह रहा हूं मैं। नंबर वन इनकम इफेक्ट, नंबर टू हुज़ैफ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड नंबर थ्री लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं बेटा? फिर रिपीट करूं, इनकम इफेक्ट, नंबर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर थ्री डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर रिपीट करूं हुज़ैफ़ा बेटा, नंबर वन इनकम इफेक्ट, नंबर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड नंबर थ्री डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सही है, ओके चलो। तो हम यहां से बात आगे लेके चलेंगे और वो बात हमारी आगे जाएगी एक टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का नाम क्या है जो यहां से इसका दूसरा हिस्सा है, और ये इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा है जिसमें स्टूडेंट्स जो है ना, बेशुमार स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज्ड, ठीक है, मतलब उनको ये थ्योरी समझ ही नहीं लगती कि थ्योरी है क्या। तो मतलब ये आपके इस किताब का वो हिस्सा है जो 90% या 99% लोगों के सर पे से बाउंसर जाता है। तो नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज दिस पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, माइक्रो का हिस्सा ना, ये यूटिलिटी अप्रोच का ही पार्ट है। इस टॉपिक का नाम है बेटा इनडिफरेंस कर्व। क्या नाम है इस टॉपिक का बेटा? इनडिफरेंस कर्व। तो ये जो इनडिफरेंस कर्व है, ये भी यूटिलिटी अप्रोच को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम समझिएगा जरा सब लोग। असल में ये जो थ्योरी है, ये जो अप्रोच है, ये मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी अप्रोच के अगेंस्ट लाई गई। अगेंस्ट से मुराद यानी कि उस पर एतराज करके, उसको क्रिटिसाइज करके, समझते हैं क्रिटिसाइज। किस नोयत का क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर? मतलब जो आने वाले इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बाद में क्या किया, उस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। कौन सी थ्योरी को बेटा? यूटिलिटी अप्रोच वाली थ्योरीज को। बुनियादी तौर पर वो थ्योरीज गलत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं उन थ्योरीज को प्रेजेंट करने का वे गलत है। अब उनका बुनियादी एतराज क्या था समझेगा? वो कहते हैं यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली। वो जो एब्सोल्यूट मेजर पे बात की थी शुरू में, कुछ याद होगा, यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते एब्सोल्युटली। एब्सोल्यूट मतलब यार, आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि आपको 100 पॉइंट्स की सेटिस्फेक्शन हासिल हुई है? आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि आपको 80 पॉइंट्स की सेटिस्फेक्शन हासिल हुई है? आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि आपको 60 पॉइंट्स की सेटिस्फेक्शन हासिल हुई? यानी एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली एब्सोल्यूट मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं आप इसकी? ये जो आप यूनिट्स बना रहे हैं, यूटिल्स, यूनिट्स, यूटिल्स का मतलब क्या है? यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कौन सी अप्रोच को पढ़ा? जो पहली अप्रोच पढ़ी हमने, अप्रोच वन जो हमारी थी, उसका नाम क्या था बेटा? यूटिलिटी अप्रोच। और यहां हमारी अजम्पशन क्या थी? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड
एब्सोल्युटली इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. यूटिल्स मतलब यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी. यानी जो आपने कहा था ना पहली गुड कंज्यूम की जो 100 पॉइंट्स थे, वो 100 पॉइंट्स कहते हैं 100 यूटिल्स थे, 100 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी थे. तो यार ये कैसे, कोई थर्मामीटर आपके पास है, कोई ऐसा आला आपके पास है जिसके जरिए आप उसको लगाओ पता लग जाए हाँ भाई कितने पॉइंट्स की आपको यूटिलिटी हासिल हुई? नो. तो इस थ्योरी पर बेसिकली एतराज कोई नहीं है. मतलब यानी कि ये थ्योरी अपनी जगह दुरुस्त तो है, ये आपकी फीलिंग्स बयान तो कर रही है, लेकिन इसको बयान करने के लिए जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट की गई है ना, उस एब्सोल्यूट मेजरमेंट पे एतराज हो रहा है. तो कहते हैं यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली, और यहां पर इस अप्रोच में यूटिलिटी को मेजर किया गया एब्सोल्युटली. तो अप्रोच टू क्या है हमारे सामने? जो इस अप्रोच को रिप्लेस कर रही है, कॉन्सेप्ट सारे यही डिलीवर किए जाएंगे आपको, लेकिन जो अप्रोच टू है उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व. इन शॉर्ट क्या बोलेंगे हम उसको? आईसी. तो अप्रोच टू जो है वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है. और इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं भाई? हम इस अप्रोच में ये कह रहे हैं यूटिलिटी cannot be measured absolutely. But it can be measured relatively. वही जिस तरह scarcity क्या था, एक relative measure था, absolute measure नहीं था, इस तरह यहां पर हम ये बोलना चाह रहे हैं utility भी एक relative measure है, वो एक absolute measure नहीं. तो हम utility approach को convert करने जा रहे हैं बेटा किस चीज में? indifference curve approach में. क्या आप तैयार हैं? जवाब दें आप सब लोग मुझे. यहां तक मेरी गुफ्तगू आप लोगों को समझ में आती है कि मैं क्या बोल रहा हूं? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एब्सोल्युटली, ये बात कहां हुई थी? अप्रोच नंबर वन में. अप्रोच नंबर टू क्या बोल रही है आपको? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली बट इट कैन बी मेजर्ड रिलेटिवली. बड़ी गहरी बातें हैं भैया. और यहां पर आपकी बहुत बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए. मैंने क्या बोला? आप सर्वे करके देख लें, इसका ट्रू कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता है. मेजोरिटी आवाम इसका रट्टा लगाती है इस टॉपिक का, और इंतहाई खुश्क टॉपिक समझती है इकोनॉमिक्स का इसको. कोशिश करेंगे ये खुश टॉपिक भी ना रहे आपके लिए और आपको कॉन्सेप्चुअली ये समझ में आए, ये हमारी कोशिश है. ठीक है ना? तो स्टार्ट करें इस बात को नाउ. अब एक सवाल से शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि भाई ये टॉपिक जो है, ये रिप्लेसमेंट है ना किस चीज का? यूटिलिटी अप्रोच का. तो इस सवाल से शुरू करते हैं, एक सवाल शुरू करते हैं. वो सवाल क्या है? हाउ टू मेजर utility relatively. utility को relatively measure कैसे किया जाए, ये सवाल है. इस सवाल से हमारा टॉपिक शुरू होगा.
ठीक है जी। अब यहां से अ पर्सन, पर्सन मतलब कंज्यूमर, पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस यूटिलिटी क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटी का मतलब क्या, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या, क्वांटिटी में। ठीक है जी। अ पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस यूटिलिटी क्वांटिटेटिवली, ये हमारा पॉइंट यहां से शुरू होता है। ठीक है। ही कैन शो हिज प्रेफरेंसेस of goods with reference to willingness। ठीक है। वो अपनी तरजीहात बयान कर सकता है विलिंगनेस के लिहाज से। इसका मतलब क्या है, ये पूरी डिमांड नहीं है, ये डिमांड के एक हिस्से पे बात हो रही है। यानी अगर आप अपनी तरजीहात बयान कर देते हैं अपनी विलिंगनेस के लिहाज से, तब भी आप एक तरीके से अपनी यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप क्या खरीदने के लिए विलिंग हैं और कैसे खरीदने के लिए विलिंग है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रेफरेंसेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ फॉन्ट। ठीक है। प्रेफरेंसेस किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, इंटेंसिटी और इंपॉर्टेंस पर किसी भी वॉन्ड की। ये बात समझ में आती है आपको बेटा, यानी अ पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस यूटिलिटी क्वांटिटेटिवली, ही कैन शो हिज प्रेफरेंसेस ऑफ गुड्स एंड गुड्स विद रेफरेंस टू विलिंगनेस, प्रेफरेंसेस डिपेंड्स ऑन अपॉन इंटेंसिटी और इंपॉर्टेंस। देखिए इस डिस्कशन में कहीं भी अभी तक एबिलिटी की बात नहीं आ रही, इसका मतलब सारा डिस्कशन जो है वो विलिंगनेस के लिहाज से चलेगा। ये माइंडसेट ना बनना आपको इस टॉपिक से गुमराह कर देगा, गुमराह मतलब रास्ते से हटा देगा और आपके दिमाग में कुछ और बातें आना शुरू जाएंगी। तो जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है वो किस लिहाज से हो रहा है, विलिंगनेस के लिहाज से हो रहा है, उसमें एबिलिटी की बात नहीं आ रही, ये बात ध्यान में रखिएगा। जवाब दें। वी कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी
relatively by showing consumers scale of preferences. हम अपनी अपनी रुचि को एक्सप्रेस कर सकते हैं रिलेटिवली कैसे, कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस को बनाकर। अब सवाल ये उठ जाएगा जनाब कि कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है। सवाल उठा, व्हाट इज कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो जवाब क्या बनेगा इसका? इट इज रिप्लेसमेंट of utility table. ये replacement है किसका? Utility table का। यानी अब utility table replace हो जाएगा इस चीज से, जिसको हम क्या नाम देंगे? Consumer scale of preferences. अब ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ गुड्स। इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर with respect to utility, with respect to importance और इंटेंसिटी। ठीक है जी, अरेंजमेंट ऑफ गुड्स विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंस और इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये तवील बात है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा बात समझाने में, तो इसको मैं इंशाल्लाह यहाँ से अगली क्लास में कंटिन्यू करता हूँ बेटा। ये पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए हैं,
अब इस पॉइंट्स को मैं अगली क्लास में कंप्लीट भी करूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, वरना मैं इसको वैसे टाइम लग जाएगा बात समझाने में, ठीक है? तो इंशाल्लाह इस पर फिर अगली क्लास से ही हम डिस्कशन क्या करते हैं, शुरू करते हैं आपसे। तो उम्मीद करता हूँ जो अब तक लिखवाया है वो तो आपको दिमाग में बैठा होगा ना, ठीक है? आप भी इसको किताब से देखिएगा, अब फिर किताब में लिखे हुए और यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ डिटेल में उसमें आप जरा देखिएगा फर्क क्या बन रहा है, ठीक है? अगली इको की क्लास कब होगी, ये अच्छा सवाल है। हो सकता है कल मैं क्लास ले लूं आपकी इकोनॉमिक्स की, हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कहता। आइए वाली टाइमिंग के अंदर हो सकता है क्लास ले लूं इकोनॉमिक्स, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।